हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सवल स्टाफ हिमाचल। सवल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ 24th ऑफ अक्टूबर 2023, 24 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज की क्लास के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और क्लास की तरफ बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग एंड प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सिविल स्टाफ के जो कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो HPAS का ऑफलाइन लाइव कोर्स हो, HPAS का ऑनलाइन कोर्स हो, HPAS का वीकेंड ऑफलाइन लाइव कोर्स हो, HPAS का हिंदी मीडियम का कोर्स हो, NTA Lite का कोर्स हो, NTA Lite का ऑफलाइन या लाइव कोर्स हो, HPAS की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो, HP गवर्नमेंट के बैचेस हो, पटवारी का बैच हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या इसके साथ साथ TGT या PGT कमीशन के बैचेस हो, आप सभी के लिए कॉल कर सकते हैं 7814622609 वाले नंबर पे। चलिए इसके बाद बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स की। टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज की हमारी क्लास के अंदर रहने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले रिपोर्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट ऑफ 2024 की, जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा रिलीज की गई है। उसके बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स में मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम इकोनॉमी में कस्तूरी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए अभी एक डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद साइंस एंड टेक में हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद कल्चर में हम डोगरा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, डोगरा आर्किटेक्चर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे एनवायरनमेंट में हम बैनरघट्टा नेशनल पार्क की बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डिफेंस की बात करें तो प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में आज हम जानने वाले हैं। एंड नेक्स्ट इन द डेज वी कैन टॉक अबाउट द यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि आज UN डे है, हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास की तरफ आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं, आपको और आपके परिवार को सिविल स्टाफ की पूरी टीम की तरफ से दुशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये दुशहरा जो है फेस्टिवल्स का सीजन जो अभी है, सो आने वाले फेस्टिवल्स और दुशहरा आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आए, जो कि आप धारण करो और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। और क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, आप सब कुछ बेटर कर सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन और देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर बात करता है टैक्स की। टैक्स तो यूरोपियन यूनियन का टैक्स ऑब्जर्वेटरी अभी एक रिपोर्ट लेके आता है, ये कहता है कि टैक्स इवेजन एक यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क माना जा रहा है, बहुत सारा टैक्स जो है यहाँ पर चोरी होता है। सो ग्लोबल बिलियनर टैक्स कुड ईड $250 बिलियन। अभी देखिए होता क्या है कि दुनिया भर में जो टैक्स की चोरी है ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो अपनी बेसिकली देखिए टैक्स पॉलिसीज है ही ऐसी, पहला पॉइंट तो ये है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक कॉर्पोरेट अगर टैक्स भर रहा है, पहले तो उसने कॉर्पोरेट टैक्स भरा, उसके बाद फर्दर वो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भरता है, तो यहाँ पर 0 to 0.5% पीपल ही अपना टैक्स टैक्स भरते आ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट ने ये बताया कि क्या यहाँ पर टैक्स इवेजन जो है, टैक्स इवेजन हम इसको बोलते हैं टैक्स की चोरी करना, सो बैंक इंफॉर्मेशन का ऑटोमेटिक एक्सचेंज होना, इसके कारण ऑफशोर टैक्स इवेजन में काफी रिडक्शन जो देखी गई है, दैट इज इन द पास्ट 10 ईयर। $1 trillion प्रॉफिट जो है देखा गया टैक्स हेवन के अंदर। और यहां पर बेस इरोजन जैसी पॉलिसीज हो या प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसी पॉलिसीज हो, इनका निग्लिजिबल इफेक्ट जो है देखे गए। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है 15% MNC पे है, ये 2012 में 140 देशों ने मिलकर अडॉप्ट किया था, ये एक डिसअपॉइंटमेंट का कारण यहां पर बनता है। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस जो है मेनली दो प्राइमरी रीजंस यहां पर आते हैं ऑफशोर टैक्स इवेजन के। सो पहला क्या है कि नॉन कॉम्प्लायंस ऑफशोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ये नॉन कॉम्प्लायंस के साथ वर्क करती है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज होता है बैंक इंफॉर्मेशन का, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा टैक्स चोरी करने के ऊपर लगे हुए हैं, इस कारण से करप्शन हो और बहुत सारा पैसा चोरी होता है, इधर उधर होता है, लोग टैक्स नहीं भरते, क्लियर। उसके बाद बहुत सारे देखते हैं कि उनको लगता है कि उनका कस्टमर बेस खत्म हो जाएगा, इस कारण से ऑटोमेशन एक्सचेंज ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन चलता है। द नेक्स्ट इज द शिफ्ट टू द अनकवर्ड एसेट क्लास लाइक रियल एस्टेट, लोग जो है रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट ऑन हो जाते हैं ताकि वहां पर पैसे का पता नहीं लगता है कि पैसा प्रॉपर्टी में लगा दिया छोड़ दिया, इस तरह से लोग टैक्स इवेजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आने वाले चैलेंजेस हैं।
अब रिकमेंडेशंस यहां पर क्या आती है इस रिपोर्ट के अंदर, रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम मिनिमम टैक्स जो है बिलियनियर्स के ऊपर 2% होना चाहिए उनके वेल्थ का। बिलियनियर्स वो लोग जो बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर 2% का टैक्स लगना चाहिए उनके वेल्थ के ऊपर ग्लोबली, क्लियर। सो इसके कारण जो है लगभग 250 बिलियन डॉलर जो है जनरेट होगा, ठीक है, बेसिकली 3000 लोग मिलकर ही 250 बिलियन डॉलर इकट्ठा करके दे देंगे। सो 2% का एक टैक्स रेट जो है ये बहुत ज्यादा मॉडेस्ट रहेगा, स्टिल बी वेरी मॉडेस्ट। सो जिसके कारण वेल्थ जो है बिलियनर्स की वो 7% हर साल बढ़ती आ रही है 1995 से। अब यूरोपियन यूनियन का टैक्स ऑब्जर्वेटरी जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, यूरोपियन यूनियन का ये जो टैक्स ऑब्जर्वेटरी है एक इंडिपेंडेंट रिसर्च लेबोरेटरी है। दिस इज होस्टेड एट द पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये इनोवेटिव रिसर्च करता है टैक्सेशन के ऊपर और यहाँ पर डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव डिबेट करता है फ्यूचर ऑफ टैक्सेशन के ऊपर और यहाँ पर डेटा जो है रिलीज करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास आता है बैनरघट्टा नेशनल पार्क। तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क एनक्रोचमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी का जो रिस्पॉन्स है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक कमेटी दैट इज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, इसने बोला है कि ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका जो है आप एक रिस्पॉन्स सबमिट करो कि जो इको सेंसिटिव जोन है बैनरघट्टा नेशनल पार्क का इसके अंदर एनक्रोचमेंट हो रही है, इसके ऊपर आप जवाबदेही दो, आप बताओ हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने ये रिपोर्ट यहां से मांगी है। अब हम पढ़ेंगे बैनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है। सो ये बेंगलुरु कर्नाटका के पास में पड़ता है अनेकाल रेंज की पहाड़ियों के अंदर। उसके बाद 260 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर है जो कि यहाँ पर सत्यमंगलम फॉरेस्ट से बीआर हिल्स के बीच में आता है। स्वर्णमुखी स्ट्रीम यहाँ पर बहती है जो कि स्वर्णमुखी हिल से ओरिजिनेट होती है सेंटर में इस पार्क के बिल्कुल मध्य के अंदर। 1974 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, 2002 में इसके पोर्शन को बायोलॉजिकल रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया और बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन जाता है और ये पहला बायोलॉजिकल पार्क बनता है भारत देश के अंदर जहां पर फॉरेस्टेड एलिफेंट यानी कि फेंस की हुई फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी बनाई गई थी यानी कि फेंसिंग लगाई हुई है। उसके साथ साथ ये 2006 में इंडिया का पहला बटरफ्लाई एनक्लोजर भी इनोग्रेट किया गया इसके अंदर और यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि फ्लोरा और फौना की बात करते हैं तो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे द महाराजगंज के अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है इनकी रिस्टोरेशन, क्लियर। महाराजगंज में जो पुरानी बिल्डिंग्स है इसकी रिस्टोरेशन का कार्य शुरू होता है, दैट इज इन द श्रीनगर स्मार्ट सिटी डाउनटाउन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट के तहत। तो महाराजगंज जो है एक मार्केट एरिया है, ठीक है, जहां पर वर्नाकुलर एंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर को मिक्स करके ये एरिया बना हुआ है और यहाँ पर बाकी के प्रोजेक्ट जो है बोहरी कदल है, जाइना कदल है मार्केट, यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शुरू किया है और इसके साथ साथ कश्मीर चैप्टर ऑफ द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भी मौजूद है और बेसिकली कश्मीरी आर्किटेक्चर का जो वर्नाकुलर एलिमेंट्स है उसको कंजर्व करने के लिए यहाँ पर बेसिकली जैसे कि पिलास्टर्स हैं, कॉलोनेडेड वॉकवेज हैं, इन सबको बचाने के लिए वर्क किया जा रहा है और बेसिकली इसको बचाने के लिए कश्मीर जो है, क्लियर, इसने कंजर्व एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए कश्मीर में बाय द डोगरा हिंदू किंग्स बिटवीन द 1846 एंड द 1947। डोगरा किंगडम की बात करते हैं तो डोगरा डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह जामवाल साहब, 1792 से लेकर 1857 तक इन्होंने राज किया और ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले महाराजा थे। 19वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक जम्मू जो था ये डोगरा राजपूतों के द्वारा रूल किया गया, क्लियर, जो कि जामवाल क्लैन से बिलोंग करते थे। 1846 की अमृतसर ट्रीटी के तहत ब्रिटिश जो थे ये इन्होंने कश्मीर जो है गुलाब सिंह को दे दिया था और इसके साथ साथ गुलाब सिंह ने लद्दाख और बलिस्तान के एरियाज पे भी अपना कंट्रोल जमा लिया था, क्लियर, महाराजा गुलाब सिंह। आगे बढ़ेंगे आर्मी का प्रोजेक्ट उद्भव। ये बेसिकली एशियंट विजडम को इंटीग्रेट करेगा मॉडर्न मिलिट्री पैडागोजी के साथ। 21 अक्टूबर से यह शुरू होता है, राजनाथ सिंह जी इसको इनोग्रेट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा।
सो इंडिया का एशियन स्ट्रेटेजिक अकुमेंट जो है इसको इंटीग्रेट करते हुए कंटेम्पोररी मिलिट्री डोमेन के साथ और एक इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक वोकैबुलरी बनाते हुए इसको लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट उद्भव। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही है कि हम एशियन विजडम को कंटेम्पररी मिलिट्री प्रैक्टिसेस के साथ जोड़कर एक यूनिक एंड होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस को अप्रोच कर पाए। सो इंडियन आर्मी और द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये वर्क किया जा रहा है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया डिफेंस की एक पॉलिसी मेकिंग कंपनी और इसको फर्स्ट इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल पे लॉन्च किया गया था। और बेसिकली प्रोजेक्ट उद्भव जो है ये जैसे कि मैंने बता दिया है एशियन मिलिट्री सिस्टम और इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कल्चर के बीच में एक इंटीग्रेशन लेके आएगा, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको क्या दिखाई दे रहा है, टर्की रिफ्यूज टू अलाउ वॉरशिप टू एंटर इनटू द ब्लैक सी। ये ब्लैक सी है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो टर्की ने बोला कि ब्लैक सी के अंदर वॉरशिप्स एंटर नहीं करेंगे। तो टर्की का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है क्लियर, इसने बोला कि अंकारा जो है दैट इंटेंड्स टू कंटिन्यू टू फेथफुली कंप्लाई विद द मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन ऑन द नॉन एडमिशन ऑफ वॉरशिप्स ऑफ द नॉन ब्लैक सी कंट्रीज टू द ब्लैक सी थ्रू द बॉस्फोरस एंड द डार्डनेल्स। तो इसने बोला कि जो नॉन ब्लैक सी कंट्रीज है इनके वॉरशिप ब्लैक सी में एंटर नहीं करेंगे, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन यहां पर आ जाती है। तो मेन चीज जो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर दैट इज मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन क्या है। तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के बारे में भी हम जानेंगे क्लियर। इससे पहले आप देख सकते हैं दिस इज द डार्डनेल्स एंड दिस इज सी ऑफ द मरमरा एंड दिस इज बॉस्फोरस क्लियर। सो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ये रहा टर्की और ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ब्लैक सी। सो टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बता दिया है कि मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के चलते हुए जो नॉन ब्लैक सी कंट्रीज हैं इनके वॉरशिप ब्लैक सी में नहीं आएंगे, या तो इधर से आएंगे ना इधर से आएंगे, क्लियर, ये यहां पर बता दिया गया। अब ये जो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन है ये आती है रिजाइम ऑफ द स्टेट्स के अकॉर्डिंगली। देखिए स्टेट क्या होता है, दो बाउंड्रीज के बीच में जो नैरो रिवर पाथ होता है उसको हम स्टेट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट्स। और जिसको और दिस इज द मॉन्ट्रेक कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजाइम ऑफ द स्टेट्स और वी कैन से द मॉन्ट्रेक कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि बताता है कि बॉस्फोरस और डार्डनेल्स स्ट्रेट्स का इस्तेमाल टर्की में कैसे किया जा सकता है, ये उसको गवर्न करता है। सो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, ग्रीस, जापान, रोमेनिया, यूगोस्लेविया, यूके एंड द सोवियत यूनियन एंड द टर्की। ये नवंबर 1936 में साइन किया गया था। इसके अकॉर्डिंगली टर्की जो है इसका पूरा कंट्रोल रहेगा टर्किश स्ट्रेट्स के ऊपर। सो लड़ाई के समय जो पैक्ट होगा ये टर्की को अधिकार देता है कि ये रेगुलेट कर सकता है नेवल वॉरशिप्स को जो कि यहाँ पर ब्लैक सी में ट्रांजिट करती हैं, ब्लैक सी में एंटर कर रही हैं, और ब्लॉक कर सकता है स्टेट्स को वॉरशिप्स के एंटर करने से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश अगर इस कंफ्लिक्ट में जुड़ा हुआ है तो उसके वॉरशिप्स को एंटर करने से रोक सकता है। सो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन जो है ये टर्की को एक पावर देती है, ये टर्की को एक पावर दे रही है, ये स्टेट्स को ब्लॉक करने का अधिकार टर्की को दिया गया है मॉन्ट्रेक कन्वेंशन के चलते हुए। तो मर्चेंट वेसल्स जो है इनको फ्रीडम ऑफ पासेज मिलेगा टर्किश स्टेट्स के तहत, बट जो वॉर वेसल्स है ठीक है ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ जाएंगी और ये टर्की के ऊपर निर्भर करेगा कि वो बताएगा कि ब्लैक सी की जो वो वॉरशिप है वो ब्लैक सी के कंट्रीज का है या नहीं है। सो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बॉस्फोरस और डार्डनेल्स स्ट्रेट्स जो है इनको हम टर्किश स्ट्रेट्स भी बोलते हैं और ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी बोलते हैं। ये एजियन सी को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करते हैं बाय द सी ऑफ मरमरा, एंड ये इकलौता ऐसा पासेज है जिसके तहत ब्लैक सी पोर्ट्स जो है ये एक्सेस की जा सकते हैं मेडिटेरेनियन और उसके आगे, क्लियर। सो दिस इज ब्लैक सी। आगे बढ़ेंगे, हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने कस्तूरी कोटन भारत वेबसाइट लॉन्च करी है और इसके साथ साथ ये भी बताया कि भारत टेक्सटाइल 2024 का जो एक्सपो है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस भारत को यह प्रदर्शित करेगा 2024 में। तो कस्तूरी कोटन भारत वेबसाइट जो है लॉन्च कर दिया गया है इसको, और ये जो वेबसाइट है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएगी गिनर्स के लिए, डेट इज टू प्रोड्यूस द कस्तूरी कोटन भारत ब्रांड। एंड इसके साथ साथ कस्तूरी कोटन भारत ब्रांड जो है ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का,
और ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज का, जो कि यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर काम कर रही है कि ब्रांडिंग करना, ट्रेसेबिलिटी करना कॉटन की, इंडियन कॉटन की सर्टिफिकेशन। और वर्ल्ड कॉटन डे हम 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसी के तहत कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर। जिसके चलते हुए इंडियन कॉटन को अब एक लोगो भी मिल गया और एक ब्रांड भी मिल गया, ब्रांड भी मिल गया और लोगो भी मिल गया। आगे बात करेंगे, नई लेबोरेटरी दैट इज ऑफ एडवांस सिंथेसिस एंड द करेक्टराइजेशन डेवलप्स प्रॉब स्टेशंस फॉर यूनिवर्सिटीज टू प्रॉब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज इन द रेंज ऑफ मटीरियल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक नई लेबोरेटरी है एडवांस सिंथेसिस की और करेक्टराइजेशन की गुजरात के अंदर, ये यहां पर बना रही है। क्या बना रही है? दैट इज लेबोरेटरी ऑफ एडवांस सिंथेसिस एंड करेक्टराइजेशन प्रॉब स्टेशन। यूनिवर्सिटी भारत में जो वर्क कर रही है, अब्रॉड वर्क कर रही है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज इन मटीरियल्स, जैसे कि सेमी कंडक्टर्स है, थिन फिल्म है, एलईडीज है, सोलर सेल्स है। और प्रॉब स्टेशन का जो हार्ट है, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे जो कि यहाँ पर इसको डिफर करते हैं अवेलेबल और इम्पोर्टेड सिमिलर सिस्टम से। इसमें पेल्टियर एलिमेंट्स होंगे, जीरो वेल्डिंग होगा और अ सिस्टम दैट ऑफर्स द सुपीरियर कंट्रोल ओवर द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शंस। और ये सिस्टम जो है यूजर फ्रेंडली रहेंगे, कोई भी इजीली इसको चला सकता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? दिस इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सिस्टम्स दैट सोर्स एंड डिटेक्ट एंड कंट्रोल द लाइट्स एंड यूजली कंसिडर्ड अ सब फील्ड ऑफ फोटोनिक्स। So, ये लार्जली बेस्ड होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर एंड ये सूटेबल बैंड गैप एनर्जी को एग्जिबिट करते हैं, जिसके चलते हुए ये अब्सॉर्ब करते हैं नियर इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट एंड इनका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है ये भी एसेंशियल होता है एप्लीकेशंस के लिए। टेलीकम्युनिकेशन लेजर हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, ब्लू लेजर हो, ट्रैफिक लाइट हो, ये यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने आ जाती है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डे की हम बात करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है न्यूयॉर्क के अंदर। 51 कंट्रीज इनिशियली इसको रेटिफाई करते हैं, क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल की, तो आज इसके सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ही इज फ्रॉम पोर्टुगल। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद की गई थी, दुनिया में पीस को मेंटेन रखने के लिए, पीस मेंटेन करना, दुनिया में डेवलपमेंट को आगे लेके जाना, इस कारण से यूनाइटेड नेशन बनाया गया था। और यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिशमेंट को हम यूनाइटेड नेशन डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं 24 अक्टूबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या रहा अगर इसकी बात करते हैं, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इसके भी 75 साल पूरे हो गए। तो क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यहां पर यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आती है, सो थीम यहां पर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल आता है। नेक्स्ट, द पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई इज फोटोग्राफ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई को देखा गया है। 120 पीसीज जो है इस बटरफ्लाई की यहां पर वाइल्ड भाटियाट प्रोजेक्ट के तहत देखी गई थी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और भारत और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 25% जो है बटरफ्लाई भारत देश में जो पाई जाती है उसका 25% हिमाचल प्रदेश के अंदर ही मिलता है। सो बटरफ्लाई की एक स्पीसीज जो कि रेयर मिलती है वेस्टर्न हिमालय के अंदर, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, इसको अभी चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया पहली बार, चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार इसको देखा गया है, क्लियर। आगे बात करेंगे, ये जो पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई है इसका नाम बॉयरिस पेरी बोलते हैं हम इसको, और ये हेस्पेरिडाई फैमिली से बिलोंग करती है। इसको सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में देखा गया है और फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द लेपिडोप्टेरिस्ट फ्रेडरिक मूरे ने इसको आइडेंटिफाई किया था मोर देन 145 ईयर्स अगो। पेंट ब्रश स्विफ्ट जो है इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में, और बहुत रेयरली उत्तराखंड में भी ये पाई जाती है स्टूडेंट्स। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल अबाउट टूडेज करंट अफेयर। अब हम MCQs की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, ग्लोबल टैक्स रिवीजन रिपोर्ट ऑफ 2024 वॉज रिसेंटली रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एज पर द रिपोर्ट द टैक्स रिवीजन इज इनेबलिंग मिलियनर्स टू एंजॉय इफेक्टिव टैक्स रेट्स इक्विवेलेंट टू द 0 to 0.5% ऑफ देयर वेल्थ। इट हैज कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑन बिलियनर्स इक्वल टू 20% ऑफ देयर वेल्थ।
एंड देर आर एन एस्टिमेटेड 2500 बिलियनर्स विद द कंबाइंड वेल्थ ऑफ 13 ट्रिलियन डॉलर्स। अब यहां पर हमें दो स्टेटमेंट्स बतानी है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था ना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये भी गलत है। थर्ड क्यों गलत है? क्योंकि हमने बोला कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स बिलियनर्स के ऊपर 2% होना चाहिए उनकी वेल्थ का, ना कि 20%। और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। यहां से तो एलिमिनेशन मेथड भी लग जाएगा क्योंकि हर ऑप्शन में दो दो दिए गए हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए हमारा आंसर। खैर चलिए अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। बैनरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। बैनरघट्टा नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ये गलत हो गया। स्वर्णमुखी स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्वर्णमुखी हिल रन थ्रू द सेंटर ऑफ दिस पार्क, ये करेक्ट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हमें करेक्ट वाला बताना है, एक मुझे इनकरेक्ट मिल गया है। देखो मैं बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ, मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि हर ऑप्शन में तीन तीन दिए गए, हर ऑप्शन में ट्रिपल पेयर है। एक मेरा इनकरेक्ट हो गया तो बाकी के तीनों करेक्ट ही होंगे ना, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ेंगे तब चेक करेंगे। इट इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन इंडिया टू हैव अ फेंस्ड फॉरेस्ट फॉर द एलिफेंट सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर भी यहां पर इनॉग्रेट किया गया था। सेकंड थर्ड फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? ऐसे ही इस बार का जो एचएस का पेपर था उसमें एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज इन श्रीनगर इज बीइंग फेसलिफ्टेड अंडर द श्रीनगर स्मार्ट सिटी डाउनटाउन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट एंड इट इज एन इनिशिएटिव बाय श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डोगरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह जामवाल अंडर द 1857 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ब्रिटिश गेव अवे कश्मीर टू द गुलाब सिंह। अब यहां पर करेक्ट बताएंगे, ठीक है। अब देखिए दो ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अब महाराजगंज जो है श्रीनगर में है, इसको श्रीनगर स्मार्ट सिटी डाउनटाउन अर्बन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के तहत जो है फेसलिफ्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद ये इनिशिएटिव जो है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहां पर मौजूद नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट और फोर्थ इज इनकरेक्ट। दिस इज 1857 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ब्रिटिश ने कश्मीर जो था गुलाब सिंह को दे दिया, ठीक है। सो यहां पर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट है, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। प्रोजेक्ट उद्भव एम्स एट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एशियन स्ट्रेटेजिक एक्विपमेन इनटू द कंटेम्पोररी मिलिट्री डोमेन, इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द नेवी एंड द यूनाइटेड सर्विस सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए नेवी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो नेवी तो नहीं था इसलिए गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन टर्की हैज कंट्रोल ओवर द टर्की स्ट्रेट्स, दिस इज करेक्ट। द टर्की स्ट्रेट्स और द ब्लैक सी स्ट्रेट्स इंक्लूड्स मैगेलन स्ट्रेट्स एंड द मैगेलन, नहीं आएगा ना, बॉस्फोरस था, तो यहां पर इनकरेक्ट वाला बताना है तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। द कस्तूरी कॉटन भारत इज द ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज। कस्तूरी कॉटन भारत इज द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर द इंडियन कॉटन। अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिखाई दे रही है, सेकंड वाली करेक्ट दिखाई दे रही है, करेक्ट वाला ही बताना है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम दैट सोर्स डिटेक्ट एंड कंट्रोल लाइट्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी पढ़ा था हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन डे कब होता है, हम सबको पता है, अभी पढ़ा हमने यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24th ऑफ अक्टूबर 1945 को हुई थी, दैट्स व्हाई इट इज ऑन 24th ऑफ अक्टूबर, 24 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अगला सवाल। द पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई हैज बीन फोटोग्राफ्ड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखा गया स्टूडेंट्स, एंड एचपी सपोर्ट्स अप टू 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, सो दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए इसी के साथ साथ आज के करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट होगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।